क्या आपके नेल पॉलिश की हालत हो गई है इस तरह, बहुत ज़्यादा सूख चुका है, आपके पसंद का कलर है लेकिन वो सूख गया है, ड्राई हो गया है, तो उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगी। उस नेल पॉलिश को कैसे आप पहन सकते हो, न्यू बना सकते हो अपने ओल्ड नेल पॉलिश को, तो फिर वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यह है नेल पॉलिश थिनर एंड क्लीनर, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ करते हैं नेल पॉलिश को क्लीन करने के लिए, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर की तौर पर, ठीक है। लेकिन इससे ना आप आपके पुराने जो नेल पॉलिश होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, मतलब फेंकने के काबिल हो जाते हैं ना, तब आप इस थिनर को थोड़ा सा आपके नेल पॉलिश के अंदर में डालेंगे ना तो फिर आपको तो जादू ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी करके दिखाती हूँ वो जादू। ये मेरी नेल पॉलिश है, बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो चुका है, ये पहनने का काबिल बिल्कुल भी नहीं है, आप देख लीजिए। मैं अभी नेल पॉलिश पहन रही हूँ, ये नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो चुका है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मैंने पैसों से ख़रीदा है यार, तो इसको तो मैं नया बना के फिर से यूज़ करने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ शेयर। तो फिर आप देखते रहिए कि मैं इस थिनर का ना कुछ, बस कुछ ही ड्रॉप आपको आपके ड्राई नेल पॉलिश की बॉटल में डालने हैं। अब इस तरीके से मत डालिएगा, नहीं तो आपका थिनर ना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आपको लेना है बस एक कॉटन, ठीक है, एक कॉटन ले लीजिए। और इस थिनर को ना आप कभी भी ढक्कन को खुला मत छोड़िएगा, ठीक है। एक कॉटन में आप थोड़ा सा थिनर ले लीजिए और उसको ना बस आपको उसी कॉटन में से ना नेल पॉलिश के डिब्बे में आपको ना वो थिनर जो है ना डाल देना है, ठीक है। अच्छी तरीके से मिला देना है आपको, कोई भी पिन की मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छी तरीके से मिला देंगे ना तब आपका नेल पॉलिश है ना जो ड्राई हो चुका है वो नेल पॉलिश में ना जान आ जाएगी। दोस्तों अब इसको घर में ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे पता है कि सारे के सारे गर्ल्स लोगों के पास ना एक थिनर तो रहता ही है यार, तो आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस कुछ ही ड्रॉप आपको डालने होते हैं, अब देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको ना करना है। और आप इस नेल पॉलिश को अपनी उंगलियों पर अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। पहले अपना 2-3 ड्रॉप नेल पॉलिश के डिब्बे में डाल करके देखिए कि कितना थिन हुआ है, तो आप देख लेना कि एक बार 2 या फिर 3 ड्रॉप डाल के देख लेना कि कितना थिन हो गया है। अगर ज़्यादा नहीं हुआ है तो उसके बाद आप फिर से 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए, उसके बाद आपके नेल पॉलिश ना पूरी तरीके से मतलब नया बन जाएगा। आप यकीन मानिए ना, आप यहीं पे देख लीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो कट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए वीडियो को, मैं किस तरीके से मेरी ओल्ड नेल पॉलिश को अच्छा बना रही हूँ और मैं ना पहन कर भी आज दिखा रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पहन लिया है नेल पॉलिश को, अब कितना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना न्यू नेल पॉलिश। अब अपने पसंद के कलर का नेल पॉलिश अगर सूख जाए तो उसको फेंकना मत, उसको इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मिल जाते हैं 30 ml प्राइजेस का 25 rupees, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दो यार। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, आप लोगों का कॉमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।